हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्या आपके बैंक ऑफ बड़ौदा के यूपीआई फोन पे से पैसे अगर आप किसी के पास ट्रांसफ़र कर रहे हो तो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, फील्ड हो जा रहा है इस तरीके से, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो। मैं अपने बिग ब्रदर के पास 43 रुपया सेंड कर रहा था तो यहाँ पर पैसे ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं, इस तरीके से फील्ड हो जा रहे हैं। इसी तरीके से मैं अपने फ़ोन पे के द्वारा बैलेंस भी चेक करना चाह रहा हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो बैलेंस भी चेक नहीं हो रहा है। जैसा कि यहाँ पर मैं बैलेंस चेक पर क्लिक किया, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा पर मैं इस तरीके से क्लिक करता हूं और यहां पर मैं अपना यूपीआई पिन इस तरीके से डालकर यहां पर ओके करता हूं, तो यहां पर फेचिंग बैंक बैलेंस लिखता है, उसके बाद यहां पर टेक्निकल इश्यूज आ जा रहा है। तो अगर आपके भी साथ हो रहा है आपके बैंक ऑफ बड़ौदा में के यूपीआई में फोन पे में तो इस तरीके से, तो इसे किस तरीके से ठीक कर सकते हो और ये क्या कारण है कि टेक्निकल इश्यूज आ रहा है और पैसे ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, और या तो आप बैलेंस चेक कर रहे हो तो बैलेंस चेक नहीं हो रहा, क्या कारण है? तो आज की इस वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के। तो इसके लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यहां से बैक हो जाना है इसे ठीक करने के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स, यहां पर इसे ठीक करने के लिए सबसे पहला काम आपको करना है कि प्ले स्टोर ऐप को ओपन कर लेना है। अब प्ले स्टोर ऐप को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, यहां पर आपको सर्च कर लेना है फोन पे ऐप, इस तरीके से लिखकर फ्रेंड्स सर्च करेंगे तो अगर आपके फोन पे ऐप पर कोई अपडेट आया होगा तो सबसे पहला काम आपको अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करके इसे अपडेट कर दीजिएगा। पहला काम तो ये करना है। सेकंड काम आपको ये करना है कि अपने फोन के पावर बटन को प्रेस करके एक बार अपने फोन को रीस्टार्ट या रिबूट कर दीजिएगा, जिससे ये प्रॉब्लम आपका ठीक हो सकता है। अगर इतना करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है फ्रेंड, तो आपको अपने फोन पे ऐप को ओपन कर लेना है। और फोन पे ऐप को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, यहां पर आपको अपने प्रोफाइल पर क्लिक कर लेना है, जैसा कि यहाँ पर कॉर्नर में देखने को मिल जाएगा आपका प्रोफाइल, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा बैंक अकाउंट का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सबसे नीचे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा अनलिंक बैंक अकाउंट का, इस पर आपको क्लिक करके अपने बैंक अकाउंट को फोन पे से अनलिंक कर लीजिएगा। उसके बाद थोड़ी देर बाद इसे इसमें ऐड कर लीजिएगा, उसको वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसा कि अगर बैंक बैलेंस चेक नहीं होता होगा या पैसे ट्रांसफ़र करने में प्रॉब्लम हो रही है, टेक्निकल इश्यूज आ रहा है, तो वो प्रॉब्लम ठीक हो सकता है अगर इतना आप करते हो। अगर इतना करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा का सर्वर डाउन होने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट करना है, यानी कि 2-4 घंटे के लिए वेट करना है। टेक्निकल इश्यूज आ रहा है बैलेंस चेक करते टाइम, या बैलेंस आप किसी के पास ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हो, तो इसके लिए आपको थोड़ी देर वेट कर लेना है। और वेट करने के बाद जैसे ही सर्वर डाउन प्रॉब्लम ठीक होता है बैंक ऑफ बड़ौदा से, तो आपका पैसा ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगा और बैलेंस भी चेक हो जाएगा। तो एक ज़्यादा कोई बड़ा इशूज नहीं है फ्रेंड्स, टेक्निकल इशूज इसीलिए आता है जब आपका सर्वर डाउन रहता है आपके बैंक ऑफ बड़ौदा का, तभी ये टेक्निकल इश्यूज और पैसे ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये रही छोटी सी जानकारी। अगर आपको जानकारी थोड़ा सा भी हेल्पफुल और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।